वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल वाइट डेविल। आपका भाई आ चुका है एक और ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द सब्सक्राइब करें गाइस। और अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज की वीडियो हमारी फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है और हमें आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं और हम लोग आज उन्हीं सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और एक अटैक भी करेंगे, नॉर्मल अटैक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ वॉर में तो अटैक कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स दूंगा। और अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ क्लैन गेम्स ख़त्म हो गया है और आज ही ये ख़त्म हुआ है और हमें यहाँ से करने हैं रिवॉर्ड्स कलेक्ट। तो अभी ये एक है हमारे पास और दूसरी हमारे ट्रेजरी भी देखें तो ये लगभग फुल है। तो ये दो चीज़ें और हमारे पास प्लस दो बिल्डर्स भी फ्री हैं, तो काफ़ी ही मज़ा आएगा। हमारा बेस जो है वो थोड़ा सा और हायर लेवल, मतलब हाई लेवल के डिफेंसेस होने वाले हैं अभी। और मैं आप लोगों को कभी करेंट वॉर का स्टेटस दिखा दूं तो हमारे बेस के ऊपर अभी तक अटैक हुआ नहीं है और हम लोगों ने अभी तक दोनों अटैक कर लिए थे। और 16 पर हम लोगों ने 3 स्टार और नंबर 8 पर 1 स्टार अटैक किया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी यूज़ की थी और वो बेस में मतलब काफ़ी पूरे बेस को उसने कवर अप किया रखा था और काफ़ी डिस्टेंस पर रखा था और जिस कारण से इलेक्ट्रो ड्रैगन बेस्ट नहीं है उस बेस के लिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास ट्रूप्स और हीरोज़ के उतने लेवल थे नहीं कि हम लोग कोई ग्राउंड आर्मी यूज़ कर सकें। लेकिन खैर कोई बात नहीं गाइस, हम लोग जल्द ही अपने सारे ग्राउंड और हीरोज़ को भी मैक्स कर लेंगे, तब मैं आप लोगों को एक से एक लेटेस्ट अटैक दिखाऊंगा। और पहले यहाँ मैं एक अटैक कर लूँ या पहले कुछ फार्मिंग कर लेते हैं, तो पहले फार्मिंग कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ग्रैंड वार्डन लेवल 9 का हो चुका है। और गाइस एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ कि अगले सीज़न में, मतलब जो अक्टूबर सीज़न आने वाला है, उसमें आप लोगों को एक नया स्किन देखने को मिलेगा जो कि है ग्रैंड वार्डन का। और अगर आप लोगों को देखना है कि वो ग्रैंड वार्डन का स्किन कैसा है तो मैं आप लोगों को अभी जस्ट दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि ये स्किन कितना ही कूल लुकिंग है। तो इस प्लेयर के अगर प्रोफाइल पर जाएं और हम लोग नीचे जाएं तो ये लोग देख सकते हैं हम लोग, तो ये नहीं जो शायद सेकंड वाला पे होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये जो ग्रैंड वार्डन की स्किन है कितनी फैंटास्टिक है। इसके हाथ में एक शॉटगन टाइप का है और एक सेकंड हैंड पे इसका एक पैरट है। और ये जो स्किन है वो अगले अक्टूबर सीज़न में आप लोगों को मिलने वाली है सीज़न चैलेंज में, और गोल्ड पास ही ऑफकोर्स मिलेंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि अब क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर काफ़ी सारी स्किन आ चुकी हैं और अगली स्किन जल्द ही रॉयल चैम्पियन की भी आएगी, क्योंकि इस हीरो के पास अभी तक एक भी कोई स्किन नहीं आया। तो ये गाइस न्यू स्किन जो कि आने वाला है, तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। और अब बढ़ते हैं हम लोग कलेक्ट करने की ओर अपने रिवॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेजरी से कलेक्ट, ताकि हम लोग क्लैन गेम्स के भी रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ बढ़ते हैं रिवॉर्ड की ओर। सबसे पहले तो रीनो फिलिक्सर आएगा, रीनो बिल्डर गोल्ड आएगा। यहाँ हम लोग गोल्ड ही ले लेते हैं, यहाँ 50 जेम्स लेंगे। यहाँ हम लोग पावर या गोल्ड पावर ही ले लेते हैं और यहाँ हम लोग एक ट्रेनिंग या 20 ट्रेनिंग पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ करते हैं कलेक्ट रिवॉर्ड। ओके, बहुत सही। यहाँ हम लोगों को और एक बोनस रिवॉर्ड में हम लोग लेंगे 100 जेम्स, क्योंकि बुक ऑफ हीरोज़ तो हम लोगों को सीजन रिवॉर्ड्स में मिल ही जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो गए 645 जेम्स। और अगर हमारे पास और ज़्यादा जेम्स रहते हैं, 1 लाख बोल रहा हूँ, 1500 जेम्स रहते, तो हम लोग ये ऑटम क्वीन की स्किन भी खरीद सकते थे। लेकिन वेलकैडी क्वीन की स्किन भी बहुत ही कूल लुकिंग है, ऐसा कोई बात है नहीं कि ऑटम क्वीन इससे ज़्यादा सही है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है गाइस। मुझे तो ये वेलकैडी क्वीन की स्किन बहुत ही अच्छी लगती है, और ये क्वीन में ग्लेडिएटर और ये वार्डन में पार्टी वार्डन की स्किन। तो ये तो हो गई हमारी रिवॉर्ड्स कलेक्ट। और हम लोग यहाँ अगर देखें कि ट्रेजरी में हमारे पास गोल्ड वापस से हो चुके हैं 48, तो इसे भी हम लोग करते हैं कलेक्ट। बहुत सही।
अगर हमारे पास और रहते तो आज हम लोग ये स्कैटर शॉट को भी मैक्स आउट कर ही लेते हैं। मैं आप लोगों को एक अटैक लॉग दिखा दूँ, हम लोगों ने इस सीजन का सबसे पहला अटैक किया और यहाँ मस्त ओपी लूट हम लोगों को मिली 7 लाख की। बस डार्क लेजर नहीं था, खैर कोई बात नहीं, 7 लाख तो मिले ही थे यहाँ हमारे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ हम लोगों के स्टोरेज भी मैक्स आउट हो चुके हैं, बस ये आखिरी लेजर स्टोरेज है जो कि मैक्स आउट होने वाला है और जल्द ही हो जाएगा, कितने 5 दिन और। और यहाँ अगर हम लोग मैजिक आइटम्स में जाएं तो हमारे पास 3 रून और आ चुके हैं, तो इसे भी हम लोग करने वाले हैं यूज़। लेकिन लेबोरेटरी में भी हमारा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हम लोगों ने इलेक्ट्रो ड्रैगन को लगाया है मैक्स के लिए यानी लेवल 4, ताकि हम लोग इसे वॉर में यूज़ कर सकें। और हम लोगों ने यहाँ लून के साथ साथ इलेक्ट्रो भी मैक्स कर लिया है, और अब जल्द ही हम लोग हॉग माइनर और येटी और कुछ स्पेल्स को भी मैक्स आउट कर लेंगे। यहाँ अगर देखें तो अभी यहाँ वॉर शायद यहाँ नंबर 29 पर है। अगर हम लोग एक अटैक करके अगर हम लोग गोल्ड कलेक्ट कर पाए तो हम लोग ये स्कैटर शॉट अपग्रेड कर लेंगे। और इलिक्सर से तो हम लोगों को ये तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 1,45,000 चाहिए, तो हम लोगों को शायद ग्रैंड वार्डन ही अपग्रेड कर लेना चाहिए इलिक्सर से। खैर उससे पहले एक अटैक हम लोग कर लेते हैं ताकि कुछ गोल्ड्स हो जाए हमारे पास, और एक अगर अच्छा सा बेस मिला गाइस 1 मिलियन तक का लूट तो क्या ही कहें, मज़ा ही मज़ा है। लेकिन वैसे बेसिस को मिलने में काफ़ी ही टाइम लगता है। बस हम लोग यहाँ होप, ओ गॉड ये कितना ही ऑसम लूट है, लेकिन बेस्ट डेड नहीं है, बेस्ट तो फुल्ली एक्टिव है। खैर इस पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे, ये तो डेड बेस है गाइस, तो इसके ऊपर हम लोग क्या छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लोग करते हैं अटैक, यहाँ हम लोगों का वॉल ब्रीकर हम लोगों को इधर से डालना चाहिए, वॉल ब्रीकर 12 o'clock से 2 बेबी ड्रैगन और इधर से 2 लून्स दोनों साइड से, बीच में इलेक्ट्रो किंग क्वीन और चैम्पियन। और अब हम लोगों को वेट करना है यहाँ पर एक, अब यहाँ पे एक हेस्ट क्योंकि वॉल ब्रीकर फूटा, और एक फ्रीज यहाँ किंग की एबिलिटी बहुत सही। बस वो बलून ये डिफेंस को हाँ लकीली डाउन कर लिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हमारे पास हो गए जो कि अभी हैं, यहाँ एयर स्वीपर हर कोई बात नहीं, 2 एयर डिफेंसेस तो डाउन हो गए हैं। यहाँ हम लोग फ्रीज कर लेना चाहिए, हम लोग फ्रीज कर लेते हैं टाउन हॉल को, एक और फ्रीज आएगा, बस ये इलेक्ट्रो ड्रैगन इसे डाउन कर दे, बस एक शॉट नहीं। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत सारे बलून्स बचे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिप्लॉय किया नहीं। और अब इधर से हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे बलून्स डिप्लॉय, यहाँ टेस्ला फार्म 2 ड्रैगन वार्डन 2 लावा एक हेस्ट इधर और एक हेस्ट इधर, बहुत सही। बस लूट हमें मिल जानी चाहिए सारी की सारी, एक हेस्ट फिर इधर और एक हेस्ट फिर इधर। अभी हम लोगों को देनी होगी वार्डन की एबिलिटी, 1 2 3 वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे, अरे एक हेस्ट अपोनेंट रॉयल चैंपियन जिंदा है, यहाँ पर एक हेस्ट, तो यहाँ हमारे सारे हेस्ट हो गए ख़त्म। और अब बलून्स यहाँ रॉयल चैंपियन को डाउन कर लेंगे और हमें यहाँ सारे के सारे लूट्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है गाइज हमें एक अटैक और कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वार्डन तो अभी जिंदा है, और होपफुली अगर हम लोग 1,70,000 कर ले तो मज़ा ही मज़ा है क्योंकि स्कैटर शॉट हमारा दोनों फिर मैक्स आउट हो चुका होगा। लेकिन बस यही कि स्कैटर शॉट में काफ़ी लंबा टाइम हमें लगता है अपग्रेड करने में, तो यहाँ हम लोग एंड बैटल कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रॉफी तो हमें अभी रैंक पुश कर नहीं रहे हैं, तो हमें अभी ज़्यादा ट्रॉफी चाहिए नहीं। तो यहाँ हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस आर्मी ट्रेन। तो यहाँ हम लोग एक आर्मी में अगर हम लोग जाएं तो हमारे
पास अभी 7 मिनट, तो क्या लगता है गाइस, एक अटैक और कर लेना चाहिए? मुझे तो लग, 1 सेकंड, यहाँ अगर प्रैक्टिस में जाएं तो हम लोगों ने शायद कुछ कुछ बेसिस के ऊपर नहीं अटैक किया, नहीं हम लोगों ने सारे बेसिस के ऊपर अटैक कर लिया है वो तो। और अगर सिंगल प्लेयर में देखें तो इस पर अगर हम लोग अटैक कर कर देख सकते हैं कि क्या होता है, तो इस पर मल्टी इन्फर्नोज है, तो इस पर अभी हम लोग करते हैं गाइस अटैक। तो यहाँ से हम लोगों को रॉयल चैंपियन की जरूरत पड़ सकती है। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रोड्रैगन 3, या हम लोग जेम्स यूज़ कर लेते हैं गाइस, 6 जेम्स इधर और 10 जेम्स इधर, टोटल हो गया 16 जेम्स। खैर कोई बात नहीं, यहाँ सिंगल प्लेयर पर जाएं और ऑल एंगल अटैक, यहाँ पर हम लोग करते हैं अटैक, बस होपफुली हमें यहाँ पे गोल्ड मिल जाए। सबसे पहले तो हमें सारे सीकिंग माइंस को एक्टिवेट करने के लिए एक एक बलून डालना पड़ेगा। अगर इधर वो स्केलेटन्स हैं, काफ़ी सारे स्केलेटन्स निकलेंगे, एक एक बलून इधर, एक बलून इधर, एक बलून इधर, एक बलून इधर, फिर एक बलून और इधर, ताकि सारे स्केलेटन्स ट्रिगर हो जाएं। यहाँ सारे स्केलेटन्स हो गए हैं ट्रिगर, और एक बलून को हम लोग डालेंगे कॉर्नर से। उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे एक बेबी ड्रैगन इधर, एक बेबी ड्रैगन उधर, एक इधर, और एक और बलून, ताकि सारे सीकिंग एयरमाइंस बलून पर ही फोकस रहें। अब हम लोग यहाँ 2 लावा हुन डिप्लॉय कर देते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन, यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन की ज़रूरत होगी, और इधर के कंपार्टमेंट में सारे के सारे बलून्स, और एक फ्रीज यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, एक हेस्ट यूज़ कर लेते हैं, और एक हेस्ट इधर। वार्डन तो हम लोगों ने डालना ही भूल गया, वार्डन तो हम लोगों ने डाला ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, एक हेस्ट और इधर, फालतू का ही डाल दिया गाइस, हेस्ट जरूरत थी नहीं वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, तो हमारा प्लान तो यहाँ हो गया गाइस, हमारा प्लान था गोल्ड लूटने का, तो यहाँ हम लोगों ने गोल्ड लूट लिया। और अब यहाँ हम लोगों को स्कैटर शॉट आज हमारा दोनों ही अपग्रेड अपग्रेड पर लगाना है, और एक तो ऑलरेडी अपग्रेड पर है, और आज दूसरा स्कैटर शॉट भी अब आज हमारा मैक्स आउट होने वाला है गाइस। यहाँ अगर देखें तो ये तो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, तो ये हमारा आज ये स्कैटर शॉट भी मैक्स होने वाला 17 डेज के बाद। 1 2 3 गो, सारे गोल्ड खत्म। और अब हमारे पास डार्क इलिक्जर और इलिक्जर है, तो मुझे तो क्वीन को अपग्रेड करने का मन है, लेकिन गाइस इलिक्जर भी हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि हमें वार्डन को लेवल 10 का कर लेना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग को कुछ वॉल्स कर लेनी चाहिए लिग्जर से, क्योंकि तो यहाँ अगर एक वॉल कितनी चाहिए, 65, और एक वॉल इधर 86, तो यहाँ हम लोग एक वॉल और कर सकते हैं गाइस, लेकिन छोड़ देते हैं ये। अब ग्रैंड वार्डन को लेवल 10 के लिए हम लोग अपग्रेड करते हैं। 1 2 3 गो, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ वार्ड अभी किसके बेस के ऊपर अटैक हो रहा है, तो नंबर 2 के बेस के ऊपर, और अटैक अंडर बाय 19। एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन सी आर्मी अपोनेंट यूज़ कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग देखें तो इलेक्ट्रो ड्रैगन लून और एक क्लोन स्पेल, मजा आएगा गाइस देखने में कि ये क्लोन कहाँ पर यूज़ करता है। लेवल 7 का वार्डन, लेवल 2 की चैम्पियन, तो यहाँ इसने बैटल ब्लिंप यूज़ किया था कि वो सीधा टाउन हॉल पर जाकर फूटे, और वहाँ से इसको एक एयर डिफेंस, या हो सके तो दोनों एयर डिफेंस मिल सके। इसने टाउन हॉल के पास दौड़े जिस पे, और वहाँ पे इसने क्लोन या स्कैटर शॉट, सारे इसको गाइस एक कितना ये क्या ही बोल सके, नूब अटैक था, क्योंकि इसने वार्डन की एबिलिटी यूज़ की ही नहीं जब टाउन हॉल डाउन हुआ था, या मुझे लगता है कि टाउन हॉल इसका वहां तक पहुंचा ही नहीं था, जिस कारण से इसके सारे सारे बलून से डाउन हो गए। खैर इसने टाउन हॉल को तो लकीली डाउन कर ही लिया, क्योंकि उतने सारे बलून जब
डैमेज मतलब जब गिरे तो काफी डैमेज दिया उन्होंने टॉनल को। तो यहाँ 2 स्टार 53, नाइस ट्राई। नूब तो नहीं बोल सकते हैं गाइस, नाइस ट्राई, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि मेरे से तो अच्छा ही अटैक किया इसने। और मैं आप लोगों को प्रीवियस वॉर बताना तो भूल ही गया, तो वॉर लॉग देखें तो हम लोगों ने प्रीवियस वॉर यहाँ जीत ली थी क्लैन से काफ़ी इजी तरीके से, और होपफुली कि ये वाली वॉर भी हम लोग जीतें। गाइज एक बार और, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्द सब्सक्राइब करो गाइज। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।